फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉइन डीसीएक्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में पूरा ओवरव्यू आज इस एक्सचेंज के ऊपर हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉइन डीसीएक्स जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, जो जहाँ पे आप लोग जो है लेवरेज ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है कोई भी ऐसा एक्सचेंज अभी नहीं है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें ऐसा फीचर है कि आप लोग अगर लेवरेज भी लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा लेवरेज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको लॉसेस की चांस जो है बहुत ही कम यहाँ पे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉइन डीसीएक्स पूरा ओवरव्यू, और यहाँ पे कैसे आप लोग को अकाउंट बनाना है और यहाँ पे कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं उसकी ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग ओवरव्यू देने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कॉइन डीसीएक्स की ट्विटर हैंडल पे लगभग 153K से ऊपर यहाँ पे फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप लोग अगर यहाँ पे इंडिया से ट्रेड करते हैं तो आप लोग मोस्टली यहाँ पे वाजरेक्स एक्सचेंज या तो आप लोग जो है BitBNS एक्सचेंज है, दो एक्सचेंज ऐसा है जहाँ पे आप लोग ट्रेड करते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कॉइन डीसीएक्स, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज इसीलिए है, यहाँ पे आप लोग लेवरेज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे जो है अभी बुल रन जैसे चल रहा है और इंडिया के ऊपर जो है अभी बैन जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये सब जो है 2017 की टाइम पे यहाँ से चलता आ रहा है। अभी तक यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं आया, उसके ऊपर मैं चाहता तो वीडियो भी बना लेता, लेकिन इतना जो है अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो है हम लोग 2017 से यहाँ पे देख रहे हैं। बैन की न्यूज़ आता है और सडन डंप होता है और उसके बाद में फिर से पंप हो जाता है। पैनिक में आके बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपना जो कॉइन है उसको सेल भी कर ही लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसकी फ़ायदा आप लोग इसी एक्सचेंज से आप लोग ले सकते हैं, वो कैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सिंपल फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे साइन अप कैसे करना है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। सिंपल इस कैसे साइन अप करना है उसको बताएंगे, पहले इसकी जो फीचर है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल देखिए, इस एक्सचेंज के ऊपर जैसे आप लोग आएंगे, यहाँ पे जो है प्रो लेवल दिया है, यहाँ पे स्पॉट है, मार्जिन है, फीचर है, एंड लैंड है, एंड स्टेक भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लर्न है, OTC है, और यहाँ पे सिंपल है। आप लोग यहाँ पे जैसे प्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग को ये जो प्रो फीचर है यहाँ पे प्रोवाइड होके आएगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोग कॉइन डीसीएक्स की जो स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पेयर जो है यहाँ पे दे रखे हैं। तो 1 इंच BTC, 1 इंच USDT, तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे INR पेयर में, BTC पेयर में, या तो मोर यहाँ पे देख सकते हैं USDT है, BUSDT है, BNB है, ETH है, DAI है, और TRX XRP के पेयर के साथ आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो है इंडिया से है तो हम लोग INR से ट्रेड करते हैं, या तो BTC या तो USDT से ट्रेड करते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे जो है INR अगर ट्रेड करना है तो आप लोग को सिंपल INR के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो INR पेयर की जितने भी करेंसी है यहाँ पे जो है शो करेगा, उसके साथ में INR यहाँ पे होता होगा आएगा, और यहाँ पे INR पेयर में आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल है, आप लोग यहाँ पे कोई भी कॉइन को सर्च करना चाहते तो आप लोग यहाँ पे सर्च कॉइन के ऊपर आप लोग जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 इंच अगर आप लोग क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं 1 इंच USDT पेयर में है और यहाँ पे INR पेयर में अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं शायद नहीं है, उसी वजह से यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग इसको सर्च करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल है, आप लोग यहाँ पे किसी भी पेयर को, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग INR की पेयर में जाते हैं और यहाँ पे BTT हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल है, आप लोग डिपॉजिट, ओपन ऑर्डर, आपका जो भी ओपन ऑर्डर होगा, ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे जो है बाय सेल आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रेड हिस्ट्री, ऑर्डर बुक यहाँ पे देख सकते हैं। इसी 0.25650 सेंट्स पे यहाँ पे जो है सेलर है, यहाँ पे जो है 0.25572 पे यहाँ पे बायर है। ठीक है, इसको आप लोग एवरेज करके यहाँ पे बाय बिट या तो सेल बिट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉइन डेक्सेस जो डेक्स जो आप ये जो वेबसाइट है ये पूरा जो है बाइनांस की API जो है यहाँ पे यूज़ करता है, तो ज़्यादा जो फ्लैक्चुएट है जैसे वाजरेक्स एक्सचेंज में होता है तो यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बाइनांस की API यहाँ पे यूज़ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो फीचर देखने को नहीं मिलता है जहाँ पे जो वाजरेक्स में प्रॉब्लम होता है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ADA और TUSDT, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सचेंज है, यहाँ पे बाइनांस यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो इस पेयर की जो है, यहाँ पे बाइनांस की एक्सचेंज में जो भी रेट चल रहा होगा तो उसी पे, उसी रेट के ऊपर यहाँ पे भी आप लोग को अवेलेबल मिलेगा। तो यहाँ पे और कोई कॉइन हम लोग जैसे सर्च करते हैं तो ये भी बाइनांस की पे ही है, और यहाँ पे अल्गो देखते हैं। यहाँ पे अदर अदर कॉइन की अगर आप लोग देखेंगे तो अदर API भी, यहाँ पे कुकॉइन हो गया और यहाँ पे MXC हो गया, तो बहुत सारे एक्सचेंज की जो है UPI यहाँ पे यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा जो है बाइनांस की API यूज होता है, तो जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल है, आप लोग को बाय करना है तो जिस रेट में आप लोग बाय करना है यहाँ पे बाय रेट लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में आप लोग जो भी ऑर्डर लगाएंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे लगेगा। ओपन ऑर्डर अगर आप लोग कोई भी ऑर्डर आपका ओपन होगा, जैसे बाय के लिए आपने बिट लगा के रखा है यहाँ पे नीचे पे, तो यहाँ पे शो होगा, या तो सेल के लिए लगा रखा है तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आप लोग को शो होगा। पोर्टफोलियो में यहाँ पे आप लोग को, जैसे मान लीजिए आपके पास में कितना USDT है, यहाँ पे पूरा जो है डिपॉजिट कॉइन यहाँ पे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ पे विड्रो भी कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे अगर मार्जिन में जाएंगे, यहाँ पे फ्यूचर में ज़्यादा जो कॉइन है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मार्जिन में आपको जो है ज़्यादा कॉइन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मार्जिन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है यहाँ पे आप लोग को दिखा देगा। तो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री है और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 इंच में लिया है। तो देखिए यहाँ पे एक सुविधा और है यहाँ पे, जो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास में कोई भी जैसे USDT फंड है, या तो INR है, या तो BTC फंड है, अगर आपके पास में यहाँ पे होगा तो आप लोग यहाँ पे लैवरेज ट्रेडिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लैवरेज आपको देखने को नहीं मिलता है, ताकि आपको जो है ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। तो सिंपल है, अभी मैंने यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा जो है ट्रेडिंग लाइव करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे अकाउंट बना के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए कोई भी कॉइन को आप लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने आक्रो को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 57 सतोशी यहाँ पे चल रहा है। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जो है लॉन्ग करना है, तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस में आपको लॉन्ग करना है, या लिमिट प्राइस लगाना है, या स्टॉप लिमिट लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और फीचर भी आपको मिलता है, जो है ब्रैकेट ऑर्डर, जो ये जो है आपको बाइनांस के अंदर भी आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप लोग ले सकते हैं। तो मान लीजिए देखिए, ये जैसे यहाँ पे देखिए 2x मैक्सिमम यहाँ पे लेवरेज आप लोग ले सकते हैं इस कॉइन के ऊपर। जैसे ही आप लोग कोई भी कॉइन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितना भी लेवरेज आप ले सकते हैं उसका जो मैक्सिमम लेवरेज है यहाँ पे शो आपको कर लेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर के ऊपर अगर आपको बाय करना है, तो सिंपल आपको मार्केट ऑर्डर यहाँ पे मान लीजिए 58 सतोशी है, तो आप लोग को मैं एक बार दिखाता हूँ गो बैक। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर के ऊपर जो है आप लोग कोई भी, मतलब जो भी मार्केट में रेट होगा तो उसी हिसाब से आपका जो है लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे 1x 2x जो भी लेवरेज लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, या तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नीचे जाने के लिए आप लोग मतलब सेल की बीट लगा सकते हैं अगर मार्केट में लगाना चाहे। तो लिमिट ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में जैसे अभी जो है 58 सतोशी जो है यहाँ पे चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर बुक में हम लोग आते हैं तो मतलब 57, 56, 58 में अभी चल रहा है। तो आप लोग को अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मेरे को लॉन्ग करना है, लेकिन यहाँ पे 50 सतोशी के ऊपर मेरे को लॉन्ग करना है, तो आप लोग को यहाँ पे 50 सतोशी यहाँ पे क्लिक कर लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2x या 1x जो भी लेवरेज लेना चाहते हैं आप लोग हर किसी कॉइन के अंदर ऐसे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे 2x यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे जो है मैं लॉन्ग कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे जैसे ट्रिगर हिट होगा 50 सतोशी पे, तो यहाँ से मेरा 2x जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा ऑर्डर ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रेड अगर हमारा जो गेज है जो अप के लिए हमने जैसे लॉन्ग किया है, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग हमारे लिए चला जाता है तो हमको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2x हमको जो है यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो हमको जो है 2x जो है लॉस यहाँ पे होने वाला है। सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आप लोग लिमिट में लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में अगर आप लोग क्लिक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने लिमिट ऑर्डर जैसे बाय प्राइस आपने 50 सतोशी रखा है, और स्टॉप प्राइस जो है आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे टारगेट प्राइस आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर मैं बताऊँ तो मान लीजिए हमने लिया 50 सतोशी पे एंट्री लिया, और यहाँ पे जो है 0.000 मान लीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना जीरो है 3360460 501100। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट प्राइस होगा
यहाँ तक मतलब 100 स्वदेशी के अंदर यहाँ पे सेल होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टॉप लॉस अगर आप लोग लगाना चाहते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मान लीजिए हमको 10% के नीचे लगाना है या तो ऊपर लगाना है, बहुत सारे कैलकुलेशन जो है आप लोग चार्ट के ऊपर कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 0.6060, यहाँ पे 30 स्वदेशी मान लीजिए मैंने को ये जो है 30 स्वदेशी के अगर नीचे आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो जाएगा। जो यहाँ पे ब्रैकेट अर्थ की मतलब होता है जो आपका जो टारगेट है, आप लोग ने अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको 100 स्वदेशी तक यहाँ पे प्रॉफिट लेकर जाएगा, अगर नीचे डाउन आ गया तो 30 स्वदेशी के अंदर आपका जो है ट्रेड क्लोज हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ये जो ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। जैसे 50 सतोशी के ऊपर यहाँ पे क्लिक होगा तो आप लोग का जो है बाय ऑर्डर यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है अगर आप लोग इसको लॉन्ग करना चाहते हैं, वैसे ही अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लोग यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो उसकी आप लोग को क्या कैलकुलेट है, मान लीजिए आपने 50 सतोशी के ऊपर यहाँ पे बाय किया तो मान लीजिए यहाँ पे 50 से 56 सतोशी अभी यहाँ पे चल रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 पे आपने बाय किया तो 53 सतोशी पे यहाँ पे जो गैप है आप लोग यहाँ पे गैप लगा सकते हैं और यहाँ पे जो है लॉन्ग कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर तक जाएगा, ताकि कभी सडन डाउन पाए तो आपका जो है यहाँ पे सेल होके अच्छे प्राइस के ऊपर आपका जो है लॉन्ग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट ऑर्डर की मतलब, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी कॉइन है और इसके ऊपर भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन जो है यहाँ पे मिल जाता है लेवरेज ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पे मैं बता दूँ कॉइन डिसेस के अंदर ऐसा एक मतलब सिस्टम है जो जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 70% से नीचे अगर आपका जो यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 रुपया लगाया है, अगर आपका 70 रुपया लॉस हो गया तो कॉइन डीसीएस ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे लेवरेज क्लोज कर लेता है, जो आपका जो 30 रुपये से यहाँ पे बच जाता है। तो ये एक सुविधा है इसके ऊपर, तो आप लोग इसकी ज़रूर यूज कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर के अंदर आप लोग को कॉइन भी मिल जाता है, किसमें कितना लेवरेज है जैसे आप लोग कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेकिंग फीचर भी है, इसको आप लोग को यूज करना भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट में अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में आप लोग मार्जिन हिस्ट्री, इंस्टा हिस्ट्री, इसको आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो आपकी आपके पास में मतलब कितना टोटल पोर्टफोलियो है यहाँ पे दिखाएगा। INR वॉलेट, डिपॉजिट एंड विड्रो वॉलेट, विड्रॉल हिस्ट्री, वॉलेट हिस्ट्री जो है यहाँ पे पूरा आपको शो कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है आप लोग ट्रेड कर सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज इंडिया के अंदर है अभी के टाइम में, यहाँ पे जो है लेवरेज ट्रेडिंग की प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया होगा, आप लोग यहाँ पे ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसकी जो लेवरेज ट्रेडिंग है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि इसके ऊपर कितना प्रॉफिट मैं इसको यार्न करके यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर पूरा लाइव ट्रेडिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आपको इसमें साइनअप कैसे करना है उसको आप लोग पूरा देख लीजिए, अभी इसमें साइनअप कर लीजिए और आने वाले दिनों में ये जो बुलन के अंदर आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आप लोग को जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कैसे साइनअप करना है चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कॉइन डीसीएस में यहाँ पे साइन अप करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैंने प्रोवाइड करके रखा है। जैसे आप लोग यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसे साइन अप पेज यहाँ पे ओपन होके आएगा। सिंपल यहाँ पे क्या करना है मैं पहले बता देता हूँ। इस लिंक के अंदर यहाँ पे जो है रेफरल कोड जो है वो ऑटोमेटिक डाला हुआ आएगा, क्योंकि आप लोग जैसे मेरे रेफरल लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन की लिंक में तो यहाँ पर रेफरल लिंक डाल के आएगा। तो आपको यहाँ पे जो है चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पर रेफरल कोड नहीं है तो आप लोग ये जो रेफरल कोड दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो डॉक्यूमेंट में जो भी नेम होगा तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप लोग को विड्रॉ करने के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम जो आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा उसको आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे लास्ट नेम जो आपका टाइटल है उसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल एक ईमेल जो सिक्योर ईमेल होगा आपका, जो और कहीं पे भी आप लोग यूज नहीं करते होंगे, जो एक्सचेंज के लिए एक सेपरेट ईमेल या तो आप लोग नया बना सकते हैं,
या तो आप लोग जो भी ईमेल आईडी होगा तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको एक पासवर्ड देना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज सजेस्टेड पासवर्ड जो है यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए, जो भी लेटर है यहाँ पे बिग लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ जो है आप लोग कुछ नंबर और कुछ क्रिएटर जो है आप लोग अल्फाबेट इसको यूज करके यहाँ पे जो है आपका पासवर्ड, एक स्ट्रांग पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर, जो आप लोग जो भी मोबाइल नंबर यूज करते होंगे उसको आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर लीजिए। और रेफरल कोड यहीं आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जो ऑप्शनल है, अगर आप लोग देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं, वरना मेरे लिंक के ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रेफरल कोड आ जाएगा, सिंपल है। और यहाँ पे जो है आई एम नॉट ए रोबोट, इसमें आप लोग को टिक कर देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका टिक हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको सिंपल यहाँ पे रजिस्टर पे आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए मैं अभी भर लेता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा जो डिटेल्स है यहाँ पे भर लिया है। तो यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, फिर उसके बाद में यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक OTP जाएगा, और यहाँ पे जो है ईमेल पे भी एक OTP जाएगा। सिंपल आपको जो है यहाँ पे भर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे जो है आप लोग को जो OTP आपके ईमेल पे गया होगा और मोबाइल नंबर पे गया होगा उसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ पे OTP दे दीजिए। यहाँ पे अगर नहीं गया होगा तो रिसेंड आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वेरीफाइड करते हैं। तो सिंपल आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है यहां पे वेरीफाइड हो चुका है। तो आपको सिंपल जैसे हर किसी एक्सचेंज के ऊपर आप लोग जैसे अकाउंट बनाते हैं योर कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, यहां पे कंप्लीट KYC यहां पे करना है, यहां पे जो है आर बैंक डिटेल्स यहां पे पूरा आपको प्रोवाइड करना है, डिपोजिट INR द वॉलेट, ठीक है, डिपोजिट इट नाउ जो अगर आप लोग डिपोजिट करना चाहते हैं, कंप्लीट योर फास्ट ट्रेड यहां पे ट्रेड करेंगे तो यहां पे कुछ आपको जो है बोनस मिल सकता है। तो सिंपल आपको जो है गूगल ऑथेंटिकेटर जो है उसको आप लोग को यूज कर लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो अकाउंट है हमारा बन चुका है। तो सिंपल आपको इस अकाउंट को बना लेना है और कंप्लीट KYC में आप लोग को KYC कंप्लीट कर लेना है। तो सिंपल अगर आप लोग यहाँ पे कंप्लीट KYC के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यू नीड योर नेचर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट योर वेरिफिकेशन, तो नेशनल आईडी जैसे आप लोग का आधार कार्ड है ये सब जो है यहाँ पे लगेगा। तो आप लोग इसको जो है सिंपल आपको जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है और पासपोर्ट है इसको आप लोग यहाँ पे देके आपकी जो है वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद में आप लोग यहाँ पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सिंपल है आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे वेरीफाई आइडेंट पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे कंटिन्यू ऑन द फोन, जो अगर फोन पे आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग फोन पे करिए, या तो आप लोग अपलोड फोटो कॉपी करके आप लोग करना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है, आप लोग को इसको करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो सिंपल आपको जो है सिक्योरिटी सेक्शन में आना है और यहाँ पे जो है आप लोग को अगर गूगल ऑथेंटिकेटर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे सेटअप पे जा सकते हैं, या तो पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं, वेरीफाई डेबी से अगर आप लोग करना चाहते हैं, ये जो सिक्योर ये है इसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, या कोई इमेज है। सबसे बेहतरीन जो होता है तो वो होता है गूगल ऑथेंटिकेटर, तो इसको लगाना बहुत सिंपल है, आप लोग इसको लगा के जरूर इसके साथ रखिए। तो विड्रॉल पासवर्ड यहाँ पे आप लोग सेटअप कर सकते हैं, एड्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, KYC ये सब आपको करके रखना है क्योंकि ये इंडियन एक्सचेंज है, इसमें आप लोग को KYC करना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर मिला है तो जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपना फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिए, और अपना जो रेफरल कोड है उसको देना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ट्रेड करते रहिए और हमेशा खुशी से रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया प्रोजेक्ट के साथ, जरूर इसके ऊपर आप लोग अकाउंट बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।